इतना अंधेरा क्यों है भाई? तो कल के व्लॉग में जोश जोश में आके मैं तो बोल दिया कि आपका भाई डेडलिफ्ट 130 केजी मारेगा 45-50 दिन में, बट फिर घर जाके मैं सोचने लगा कि भाई टेंशन हो रहा है आएगा कि नहीं। फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया क्योंकि मैं अपने बॉडी को अच्छे से समझता हूँ, जानता हूँ, तो मैं बोला कि नहीं यार कर लेंगे। आज जो मैं ज्ञान देने वाला हूँ आप लोग को वो ये है कि अपनी बॉडी को अपनी गर्लफ्रेंड के जैसे ट्रीट करो, समझिए कि उसकी फीलिंग्स क्या है और अच्छी गर्लफ्रेंड अच्छी या है ना, फीलिंग समझिए उसको, आप जो दे रहे हैं उससे आप उसका क्या मूड स्विंग हो रहा है ये समझिए। तो द की बिहाइंड दैट इज कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है। तो एनीवेज वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम है कपिल पाटले और आप अगर ये चैनल में नए हैं तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन द फैमिली। तो चलते हैं जिम के अंदर। तो जिम घुसने से पहले ही हमने एक वर्कआउट रूटीन बना लिया है, बट इंसिडेंस हो गया है कि मेरा और सबा दोनों का थोड़ा सा हेडेक हो रहा है। भाई क्यों हो रहा है? हम लोगों ने सुबह वर्कआउट चालू किया और इतने समय से हम लोग यू नो सांडो की तरह सोते रहते थे, अभी भी सो रहे हैं और लेट उठ रहे हैं, बट अभी जब रूटीन में आए हैं बहुत ज़्यादा तो यू नो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। और यही होता है, शुरुआत में डिफिकल्ट होता है लेकिन रूटीन मेंटेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो वी आर डूइंग दैट। साथ में सर दर्द हो रहा है बट साथ में हल्का फुल्का वर्कआउट करेंगे, अगर अच्छा लगा तो विल कंटिन्यू द वर्कआउट। चलो जिम से आने से पहले रूटीन बना ले ताकि आपका जिम में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। खासकर थोड़ा लोअर बॉडी और बैक पेन हो रहा है तो हम सोच रहे हैं आज छोटे मसल ट्रेन करें, वी कैन ट्रेन शोल्डर्स, बाई ट्राई, जितना भी हमारा हालत होगा उतना हम करेंगे आज, बट इंटेंसिटी और वॉल्यूम लो रखेंगे। भाई जब भी मैं जिम घुसता हूँ तो मुझे एक फीलिंग आती है कि यहाँ पे ना घंटियाँ बज रही है, टंग टंग। जिम के स्टार्टिंग में एक वो चावल रखा है जिसको मैं से पैर से लात मार के घुसूँ जिम के अंदर। सबसे पहले प्री वर्कआउट के लिए मैंने खाया था एक एप्पल और एक बनाना, तो अच्छी खासी एनर्जी मिल जाएगी। वैसे भी आज जो इंटेंसिटी है थोड़ा लो रखने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग शोल्डर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमेशा एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखें कि शोल्डर ऐसा मसल है जिसकी होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो हमेशा शोल्डर वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले अच्छे से वार्म अप करें, अच्छे से अपना स्कैपुला वार्म अप करें और स्ट्रेच करें, उसके बाद ही शोल्डर एक्सरसाइज में आगे बढ़ें। तो लेट्स गेट इनटू द वर्कआउट।
तो आज का वर्कआउट यही होता है ख़त्म। और एक और चीज़, अगर कभी आपको सिरदर्द देता है पहले तो मेक श्योर का बैठे जिम मीट कर लो, क्योंकि मेरा तो कम हो गया और इसका भी मेरा भी कम हो गया उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बैठे, स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है हमारे। एग्जैक्टली तो कभी भी ऐसा लगे कि नहीं जा सकते या कुछ ऐसा, तो ये वो याद करियो नहीं करना जा सकते। See you at home. तो मैं पहुंच गया हूं घर, मैंने ले लिया शावर, अब मैं पोस्ट वर्कआउट के लिए खाने वाला हूं 4 अंडे। सिर्फ 1 अंडा बचा है। तो अंडे खत्म हो गए हैं, मैं जा रहा हूं अंडे लेने। और मैं यूजली एक पूरा ट्रे लेके आता हूं क्योंकि मुझे अंडे थोड़े सस्ते मिलते हैं और 4-5 अंडे डेली का होता है, तो बेटर आई सेव मनी और एक पूरा ट्रे ले लेता हूँ मैं। जैसे मेरे को डिस्काउंट दे रहे हो कि नहीं? अबे पूरा डिस्काउंट काट के दिया हूँ क्या? बस इतना बड़ा, अब बड़ा नोट देगा वो रोज। 140 जी, थैंक यू। तो करंट फिजिक अपडेट देख के तो लग रहा है मेरा फैट बर्निंग चालू हो गया है, बट लेट्स सी। तो पोस्ट वर्कआउट के लिए मैं खाने वाला हूँ 4 अंडे और साथ में 3 आलू पराठे जो मेरी मॉम ने बनाया है। लोग बोलेंगे आलू पराठा खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे, तो भाई सीधी साफ बात, कुछ खाने या ना खाने से आप मोटे नहीं होते। आप मोटे तब होते हैं जब आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं। जितनी आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा अगर आप बॉडी को एनर्जी देंगे तो आप मोटे होंगे। साइंटिफिक वे में अगर इसको बोलोगे तो आप कह सकते हैं कि एक कैलोरी सरप्लस में अगर आप खा रहे हैं तो आपका वेट बढ़ेगा। कैलोरी सरप्लस में तो मैं खा रहा हूँ बट मेरा वेट इसलिए नहीं बढ़ने वाला क्योंकि मेरी जो एक्टिविटी लेवल है, जो कार्डियो है, वो ज़्यादा है। मैं कार्डियो करता हूँ इसलिए मैं अपने मन से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है वो मैं खा सकता हूँ, तो मैं अपनी कैलोरी इससे खर्च कर सकता हूँ आज। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो पीस।